प्रोग्राम में हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो इतनी टैलेंटेड है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मैं बात कर रही हूँ खबर ना की आयशा जहांजेब की। हेलो आयशा। हाय एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। आर यू रेडी टू से इट ऑल? वेल आई विल ट्राई। ओके। अच्छा आयशा, एंकर होना और वो भी एक लड़की का एंकर होना और वो भी एक पॉलिटिकल कॉमेडी शो का, ये तो बहुत आम चीज नहीं है पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि आपने एक एग्जांपल सेट की? वेल आई हैव बीन वेरी लकी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इससे पहले किसी कॉमेडी शो का, प्राइम टाइम कॉमेडी शो का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें एक फीमेल होस्ट इतने सारे आदमियों के सर पे सवार हो जाए। और ये मेल शूविनिस्ट ईगो जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है उसको बहुत बड़ा धक्का था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जब मैंने व्हेन आई टुक ओवर स्पेशली आफ्टर नईम बुखारी साहब, जब उनका एक नाम है, एक लेजेंड है वो टेलीविजन उसमें वर्ल्ड में, एंड प्लस हिज ऑरा, आई मीन मैं तो जब वो बैठते थे उस पे सीट पर तो मैं तो सिर्फ उन्हें देखती रहती थी। सही बात है। आई मीन ही स्पीक्स सो वेल एंड ऑल। जब वो चले गए एकदम से एंड द टीम डिसाइडेड कि आप इसको टेक ओवर करें एंड द चैनल ऑल्सो मेड दिस डिसीजन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एट दैट टाइम लोगों के लिए एक्सेप्टिंग अ वुमन सिटिंग ऑन अ वेरी पावरफुल सीट और वो कोई आसान शो भी नहीं है एंड कंट्रोलिंग मेन वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली इम्बाइब, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। जो आपकी टीम थी उनको उधर कोई शोविनिज्म का ऑफ कोर्स नजर आया? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कन्विंस करना भी मुश्किल होता है, लेकिन जो अब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल जिनको कोई शऊर नहीं है, या वो लोग रॉ पीपल्स ऑन द स्ट्रीट, दे एंडेड अप ऑन द स्टेज और स्टेज पर वो जिस किस्म की कॉमेडी करते हैं, जुगतबाजी करते हैं, उसमें वो इस चीज को मलूज़े खातिर नहीं रखते कि आप एक खातून हैं, आपके फिजिक पे बात नहीं करनी, आपको कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना, रंग पे बात नहीं करनी, मतलब नस्ल पे बात किसी नहीं चीज पे इस तरह की किसी, और एकदम से उनके सर पे एक लड़की को टीचर को बिठा दे और कहे कि जी आप करो जो मतलब जैसे चलाना, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। शुरू में सब ने एक्सेप्ट द कोर टीम एंड द चैनल सब ने बहुत रेजिस्ट किया इस बात को कि नहीं आना चाहिए, इसकी जगह किसी और मेन स्ट्रीम एंकर को लेकर आए, किसी बड़े नाम को लेकर आए, बट द टीम एंड द चैनल वर श्योर बिकॉज अली वॉज श्योर कि नहीं लेट्स ट्राई इट विद आयशा। तो आयशा श्योर थी खुद? आयशा इज अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एक्चुअली। तो आप मुझे कहें ना कि सड़क पे निकल के अंडों की बाल्टी पकड़ के अंडे बेच दो तो आई वुड नॉट माइंड, आई वुड नॉट थिंक ट्वाइस कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ और किसको, आई वुड जस्ट स्टैंड देयर एंड डू इट। आई हैव डन दिस फॉर चैरिटी आल्सो अभी रिसेंटली। सो आयशा को आप कभी भी किसी भी वक्त कोई एक ऐसा एडवेंचर ऑफर करें तो आयशा वुड डू इट। वाओ। जस्ट लाइक दो साल पहले हम गए हुए थे रावल डैम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है, और वहां पे क्लिफ था तो मैंने, यस आई टोल्ड माय हस्बैंड मैंने तो क्लिफ से जंप कर, he said tumhe swimming nahi aati, I said I know but I am still going to jump, he said chalo, okay, husband ne bhi kaha chalo, haan usne kaha chalo, main kaha okay chalo, hum chale gaye, it was like about 20 feet from above the water level, to 20 foot upar se, acha maine use chappal pakraya, maine kaha dekho main chhalang lagane, and I took the first jump, maine kaha tumne, tum baad mein lagana, main pehle dekh lu pani ka kya scene hai uske baad tum aana, like okay fine, ab hum cliff pe khade hain और मैंने बिफोर ही, और अभी वो सोच रहा है कि इसको समझाऊं, और नीचे एक लड़कों का गैंग, यू नो यू डोंट एक्सपेक्ट अ वुमन टू स्टैंड ऑन अ क्लिफ एंड जंप फ्रॉम देयर स्पेशली व्हेन शी डजंट नो हाउ टू जंप, उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किधर जा रही है। हाँ। तो आई टुक द लीप एंड बिफोर ही न्यू इट, वो चप्पल पकड़ के बेचारा ऊपर खड़ा है और मैं पानी में, डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, आई जस्ट प्लंज्ड, व्हेन आई टुक आउट तो मैंने निकल के उसे कहा, मैंने कहा देखो इस तरफ मत आना क्लिफ के, इस तरफ जंप करना था कि तुम्हें चोट न लगे। God, you are adventurous, I must say. Yes, and he was like, "Mommy, what are you doing?" And then, of course, he had to jump as well, क्योंकि नीचे जितना गैंग लड़कों का खड़ा था, वो देख रहे थे कि लड़की ने छलांग लगा दी, अब लड़के की बारी है। तो फिर उन्होंने निकाला था क्योंकि स्विमिंग तो तुम्हें आती नहीं। नहीं, हमारे पास वो बोट थी, ठीक है, people were there to take me out of the water. Okay. But the thing is कि मैंने ये सोचा समझे बगैर, कर लिया। I just plunged.
तो इस प्रोग्राम में भी सोचे समझे बगैर आई थी, बट या यू न्यू कि मैं ये कर लूंगी? आई न्यू इट वाज अ चैलेंज, बट टेकिंग अप चैलेंजेस इज लाइफ, इजंट इट? इट इज. जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त भी तो हम एक बहुत अंधेरी जगह में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि आगे जिंदगी ने हमारे लिए क्या रखा है. हम वो प्लंज भी लेते हैं. सो लिहाजा आई थिंक टेकिंग अ प्लंज इज ऑलवेज बेटर. इट विल आइदर बी एन एक्सपीरियंस और अ सक्सेस. पैदा होने से याद आया मुझे कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मुझे लगता है बड़ी पटाखा किस्म की बच्ची होगी तुम. नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं बहुत खामोश, और बिकॉज आई वॉज दी ओनली, अपनी वालदा की अकलौती बेटी हूँ. भाई हैं? नहीं, कोई भाई भी नहीं है. You like me? मैं भी इकलौती. बिल्कुल आप ही की तरह, लेकिन डिफरेंस है, मेरे फादर के और बच्चे हैं. डिफरेंस नहीं है क्योंकि मेरे फादर के भी और बच्चे हैं. अच्छा, अब ये देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि मतलब खैर. तो तुम्हें ये लगता नहीं है कि जो इकलौते होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं बच्चे? बिल्कुल होते हैं. और अम्मी ने मुझे इतना प्रोटेक्टेड रखा था कि क्योंकि डिवोर्स उस जमाने की बात हो रही है जब डिवोर्स वाज लाइक टैबू. आज भी है लोग आज भी किसी डिवोर्स्ड खातून को या मर्द को उसी तरह देखते हैं जैसे तब देखते थे, लेकिन अब उतना ज्यादा तासुब नहीं है. दीन ने आपको ये हक दिया है तो खामखा तो नहीं दिया होगा. इफ़त, दीन असल में हम फॉलो नहीं करते. जो असल दीन है वो बहुत मुख्तलिफ है जो हम पढ़ते हैं या अपने बच्चों को पेश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि माशरे में इतना बिगाड़ है कि आपका दम घुटता है बाज़ औक़ात. सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, कि बचपन वाज बहुत खामोश, एक सहेली सिर्फ पूरे स्कूल में, किसी से बात नहीं करती. मुझे लगता था कि अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मुझे कोई पूछेगा तुम्हारे वालिद कहाँ है, कभी आते नहीं. और मेरी अम्मी वाज वेरी शाय, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट खातून थी, यानी अपने दिल की बातें अपने अंदर रखने वाली. हालांकि उनके बहन भाई थे, बट वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती थी. तो तुम्हारी अपब्रिंगिंग सिंगल मदर ने की? नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग में पूरे खानदान का हाथ था. यानी मेरी अपब्रिंगिंग में मेरी खाला भी थी जो पूरा पावर हाउस थी. यानी वो हम लोग रहते थे अंगूरी बाग है, ये बिल्कुल है शालीमार बाग के बिल्कुल साथ. सो जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम था. मामू खाला सब साथ थे. तो मेरी परवरिश अपब्रिंगिंग ना, यूज टू, और मैं उनको ज्यादा फॉलो किया करती थी अपनी खाला को. अच्छा, उनमें वो स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, और मुझे स्ट्रांग औरतें बचपन से पसंद थी. अच्छा. एनी वन, आई रिमेम्बर मैं 3 साल की थी या 4 साल की थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा आप शादी कर लें. तो अम्मी वॉज इन अ शॉक कि ये 3 साल का बच्चा है जो कह रहा है कि आप शादी कर लें. उन्होंने कहा बेटा आपको किसने ये कहा है? मुझे किसने कहना है अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ कि आप शादी कर लें. हो सकता है कि वो जो आदमी हो जिससे आप शादी करें वो अच्छा आदमी निकल आए. ये 3 साल की बच्ची, ये 3 साल की बच्ची कह रही है. अम्मी ने सुना? अम्मी ने सुना, लेकिन अम्मी ने शादी नहीं की. उन्होंने जो एक टिपिकल सोच है कि पता नहीं दूसरी शादी की तो क्या होगा, मेरी बेटी को, मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ कोई फिजिकल मिसबिहेवियर ना हो, ये तो है, कोई मिसयूज ना हो. सो शी, मतलब उन्होंने फैसला किया कि ये बकवास कर रही है, इसकी बात नहीं सुननी. हालांकि बच्चे नॉर्मली रेजिस्ट करते हैं, अपने माँ बाप को कौन शेयर करता है, लेकिन अम्मी ने नहीं मानी मेरी बात. मुझे इतनी तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम मेरे बारे आपकी कहानी बिल्कुल मेरे बारे में बात कर रही हो. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये फेमिनिज्म, ट्रू फेमिनिस्ट क्या होता है? अच्छा, इसमें मेरा एक इख्तलाफ है जो फेमिनिज्म की स्ट्रीक हमारे मुल्क में चलती है. एंड आर यू अ फेमिनिस्ट? आई एम अ टिपिकल एंड अ टोटल फेमिनिस्ट. ओके. मुझे अगर कोई खातून खूबसूरत हसीन नजर आती है तो मैं अपने दिल में माशाल्लाह कहती हूँ और उसे इस चीज के लिए अप्रिशिएट करती हूँ. लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है. आपको सबसे ज्यादा तनकीद वुमन काइंड से ही मिलती है, अनफॉर्चुनेटली. आप अपने इर्द गिर्द जब नजर दौड़ाते हैं, मर्द आपको बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी बात पे असर लेंगे, लेकिन खवातीन आपको ना तो अप्रिशिएट करेंगी ना आपके साथ खड़ी होंगी. इनसिक्योर है ना, बहुत इनसिक्योर है. एक मर्द के पीछे लड़ लड़के, एक माँ लड़ रही है वो फिर बीवी बन के लड़ रही है, बेटी अलग मांग रही है, माँ बेटी अलग अपनी जगह मांग रही है, एक मर्द का महवर के इर्द गिर्द जब वो इनसिक्योरिटी है. फर्क ये है कि हम शायद अपने माशरे में अपने बच्चों को उस तरह से ग्रूम ही नहीं करते. एक शख्स अगर आपसे मोहब्बत नहीं करता
और आपके साथ एक कागजी रिश्ते में है, उस रिश्ते का मेरे नजदीक कोई फायदा नहीं। आप उस कागज को फाड़ कर फेंक दें, क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए एक स्टैम्प पेपर जरूर है।